हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू अंडा चीज सैंडविच। गाइस, इसका टेस्ट है ना बहुत जबरदस्त है। जब एक बार बना लोगे ना तो बाहर से लाना भूल जाओगे, क्योंकि ना इतना टेस्टी ये सैंडविच बनता है। हमेशा है ना टेंशन रहती है कि बच्चों के टिफिन में क्या दे, सुबह का नाश्ता हो, शाम की है ना हल्की फुल्की भूख हो, तो बनाए इस तरह से मजेदार सैंडविच। इस नए हो तो मेरे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना। चलिए गाइस, जल्दी से बना लेते हैं। उबले हुए आलू है ये, मसल के हमने ले लिए है। इन अंडे ब्रेड है ना, कुछ लेंगे चीज के स्लाइस, हरा धनिया एक है ना, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। हम है ना आलू में पहले मिलाएंगे प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हमने हरा धनिया भी डाल दिए। हम कुछ मिलाएंगे सूखे मसाले, टीस्पून हमने डाले हैं हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हमने डाले है एक चम्मच चाट मसाला। मसाला है ना जरूर ऐड कीजिए, चाट मसाले से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब है ना हम थोड़ा सा तड़का मारेंगे मसाले के लिए। तेल पहले ही हमारा गरम हो गया है, इसमें थोड़ी सी हमने राय डाली है, थोड़ा सा डाले है जीरा और हम थोड़े से करी पत्ता भी डाल देंगे। तड़का है ना हम मसाले के ऊपर डाल देंगे। देखिए तड़का लगाते हो ना तो बहुत ही टेस्ट आता है आलू और ये मसालों में। अब अच्छी तरह हम मिला लेंगे, छोटी छोटी टिक्की बना के रख देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। इस तरह देखिए, ये है ब्रेड, ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा टमाटर सॉस लगा देंगे। पहना हरी चटनी भी लगा सकते हो, क्योंकि हरी चटनी भी लगती है इसमें, मैंने नहीं लगाई हूँ। अगर हरी चटनी की रेसिपी मांगता है ना तो मेरे चैनल पर बहुत अपलोड किए ले है, आप जाके वहाँ से देख लेना है ना। हम एक एक चीज स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। अब कटे हुए अंडे हम रख देंगे। अब है ना हम थोड़ा थोड़ा मोजरेला चीज भी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, कहना ये चीज़ी सैंडविच है इसलिए थोड़ा थोड़ा मोजरेला चीज ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑर्गेनो भी डालेंगे, आपके पास है ना तो जरूर ऐड करना, ऑर्गेनो का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा थोड़ा हमने ऐड किए है। पैन अच्छे से गरम हो गया ना तो थोड़ा सा बटर उस पे लगा लेना, अगर आपके पास बटर नहीं है ना तो थोड़ा थोड़ा तेल लगा देना। एक सैंडविच को उठा के मैं रख दूंगी, देखिए इसका फ्लेम है ना एकदम स्लो रखना, ज्यादा रखेंगे ना तो पूरा सैंडविच आपका जल जाएगा। सैंडविच है ना 10 मिनट में हो जाती है, 5 मिनट के बाद है ना हम थोड़ा ढक्कन उठा के देख लेंगे, थोड़ा सा है ना बटर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे इसमें, क्योंकि और थोड़ा उसको पकना मांगता है इसलिए। अच्छे से ना थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेते हो ना तो बिल्कुल भी नहीं जलने वाला, बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। दस मिनट के बाद अब हम देख लेंगे सैंडविच है ना अच्छे से हो गया है। अब हम निकाल लेंगे और गैस करेंगे बंद।
बहुत अच्छी तरह से बन गया है। सर सैंडविच अगर घर पे बना लोगे ना तो बाहर से लाना भूल जाओगे, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है और अलग उसका टेस्ट है थोड़ा। देखिए कितने अच्छी तरह से हो गया है, देखिए बिल्कुल भी नहीं जला है। गैस का फ्लेम अगर स्लो रखते ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम कट करके आपको बता देते हैं। बच्चों के टिफिन में अगर आप देते हो ना तो उसमें हरी मिर्ची और चिली फ्लेक्स मत डालिए। अब एक बार बना लोगे ना तो बच्चे तो खुश होएंगे, लेकिन बड़े भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब है ना, सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की फुल्की भूख हो, अगर बारिश के टाइम पर ऐसा सैंडविच मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। अगर नए हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आलू अंडा इस सैंडविच कैसा बना है, सभी एक बार ट्राई जरूर करना। बाय गाइस, फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।